हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्तफा पॉल, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का अचानक से प्लान बन गया था धनबाद, तो आज हम लोग जा रहे हैं धनबाद। फिर से वही भैया है जिसने भैया के साथ हम गए थे फोटो शूट से, आप लोग देखे थे। तो अभी जाएंगे धनबाद, वो कार से आए थे कुछ काम से, मतलब अभी लौटेंगे, साथ दो दिन रहेंगे, उसके बाद अब जाते धनबाद। अचानक से प्लान बनता है, काफ़ी टाइम बाद धनबाद जा रहे फ्रेंड्स, कम से कम हो गया 1.5-2 साल हो गया। जाएंगे, कोशिश करेंगे मिलने का उससे, मनोज भाई से मिलेंगे। पिछले बार गए थे बद्री गुरु के साथ, अब मिले थे, तो इस बार हम जा रहे हैं अपना भाई के साथ, राहिल के साथ जा रहे हैं। कोशिश करेंगे वीडियो पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जैसा भी हो आप लोगों को अच्छा लगेगा देखने में, आप जो देखते रहिए बता रहे। तो फ्रेंड्स, तो ये अचानक से हम लोग आज प्लान बन रहा है धनबाद जाने का, और ये भैया लोग आए हैं ये कार से, तो हम लोग जाएंगे धनबाद में। रास्ता में काफ़ी अच्छा अच्छा व्यू सब देखने को मिलेगा। सर फ्रेंड्स, हम लोग का स्टार्टिंग में ये छोटा सा इंसिडेंस हो चुका है, ये टर्निंग ले रहे थे तो ये लेफ्ट साइड देखे नहीं, और वो ईटा से हमारा गाड़ी में लग गया, आगे फ्रंट बम्पर डैमेज हो गया। कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके लगभग, और यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर और है अभी। रास्ता काफ़ी ठीक ही है, और हम लोग आए गाड़ी से, तो थोड़ी हमको अजीब थोड़ा लग रहा था थोड़ा, क्योंकि आने से निकलने से पहले ही हम लंच किए थे लेट से, तो जानते जो भात खाता है वो जानते हैं क्या हाल होता है। तो बस यही है, थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए आए उतरे, आगे कोई शॉप मिलेगा थोड़ा सा तो कैंडी ले लेंगे, ऑरेंज कैंडी काफ़ी अच्छा लगता है। अब जिनको होता होगा वो तो जानते हैं, जान सकते हो। तो काफ़ी टाइम बाद कार में ट्रैवल करे तो ये देखना पड़ रहा है, तो भी जाएंगे, तो शाम भी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं धनबाद, पहुंच चुके हैं। रास्ता काफ़ी यूनिक रहा, अनोखा रहा, लेकिन क्या बोल सकते हैं, अब आ चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ कौन जगह में, इसका नाम तो पता नहीं, वैसे कोई कतरास रोड है, तो यहाँ से जाएंगे। अब फिर बहुत हालत ख़राब हो गया, बस यही है, ये धनबाद है। तो अभी किसी को पता नहीं कि हम लोग धनबाद आए जी। हेलो फ्रेंड्स, आखिर धनबाद हम लोग को पता भी नहीं था, अचानक से हम लोग का जर्नी मतलब इस तरह इस तरीके से मतलब हम लोग आ गए कि हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला। तो हम लोग इंजॉय किए अपने रास्ते को, अब हम लोग फोटो से अपने घर को जा रहे हैं, घर को। सो ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज सेकेंड डे हो गया, हम लोग कल आए थे, शाम हो गया था, रात हो गया था, तो कल बहुत हेड पेन भी कर रहा था, तो मेडिसिन लिए और था बाम लगा के सो लिए थे। तो आज अब देख सकते हो, ये हमारे जिया जी का, जो हम लास्ट वीडियो जब धनबाद का बनाए थे तो बताए थे कि जिया जी का ये बिजनेस है फ्लावर एंड डेकोरेशन का, तो वही सब काम सभी रखा हुआ है, सब सामान सब अभी सब तो ऑफ है अभी। तो फ्रेंड्स, ऐसे अभी पता चला है कि धनबाद में भी कोरोना केसेस बहुत बढ़ चुके हैं, पॉजिटिव केसेस अभी बता रहे थे जिया जी मेरे कहने। तो बस यही फ्रेंड्स, तो यही है, अभी छत पे है, मौसम भी देख सकते हो काफ़ी कूल बना कर रखा, बारिश भी हो सकता है कभी, पता नहीं चल रहा है। हीरो थोड़ा सा आते हुआ अभी आके दिया है, अभी माउंटेन ड्यू दिया है, तो ये वही है। हेलो, हाय गाइस, बोलो। नहीं बोलेंगे, बोलो, बताओ कि अभी मौसम कैसा है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये शर्मा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, शर्माना तब तो फर्ज बनता है। तो लास्ट टाइम जब गए थे धनबाद बोलते तपोन गए थे, अब तो तपोन वाला ब्लॉग पे देखा था, तो बंदर को बहुत परेशान कर रहा था, वो यही है, बंदर इसी के चलते हमको काटने वाला था लेकिन काटा नहीं था, यही है। आपको कहना है, कहिए कहिए। हाँ, वहाँ पर बहुत सारा बंदर था, जो बड़ू मामा का पकड़ लिया था जी। क्यों पकड़ा था बताओ, क्यों पकड़ा था? बस यही फ्रेंड्स,
तो अभी अब देखते हैं आगे का क्या कैसा होता है। वीडियो में बने रहिए, आप लोग को मिलते रहेगा बहुत सारा अपडेट, सब देखते हैं। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं घर, घर में अभी छत से नीचे आ चुके हैं और यहाँ से अभी चल रहा है, माहौल बन रहा है, इसका माहौल बन रहा है। थोड़ा सामान सब है, पहुँचाड़ा का सामान सब है, और ये अपना वही तो देखिए फ्रेंड, इनका पहुँचाड़ा का सामान है, यहाँ सेल्फी होगा हम लोग। सेठी कैसे रो रहा है बैठ के, इसको लूडो में जीता हुआ पैसा नहीं मिला है। और नाने का लूडो में जीता था 20 रुपया, तो इसको इसके पापा पैसा नहीं दिए, तो ये कोना में बैठ के रो रहा है, अपने रूम के कोने में। सबको उधर चिकन चावल खा रहा है, ये बोला कि हम नहीं खाएंगे, इसको कोई मनाने वाला भी नहीं है। खैर हमको क्या, हम तो इसको मनाए नहीं सुनता है, बदमाश हो गया। कोने में बैठा हुआ, देखिए इधर बेड है, रूम गेट तुम ही आना, कोने में बैठा हुआ है, किसी को देख भी नहीं रहा है, नजर भी नहीं उठा रहा है, हंस रहा है कि रो रहा है। सेठी हंस रहा है कि रो रहा है, तुम ही आना, नजर नहीं मिला रहा है। ठीक है, अगली बार पैसा दिया जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और हम लोग आ गए थे रात को, अच्छे से पहुंच गए थे धनबाद, काफ़ी अच्छा लगा इतना दिन बाद आए। और भी अभी हम, मेरा भाई राहिल, अभी हम लोग निकलेंगे मिलने के लिए मनोज भाई से मिलने के लिए। आप लोग जानते ही हो मनोज देव, कौन नहीं जानता होगा झारखंड में, उसी से मिलने जाएंगे, थोड़ा बात करेंगे ऐसे तो। और आप लोग देखिए फिर वही सब व्यू है, ये मेरे जर्जी का घर है, अभी हम लोग जाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिए वीडियो। तो गाइस जैसे कि अभी हम लोग आ चुके थे मनोज भाई का घर के पास, तो वैसे यहाँ के पता चला, बोले ना अपने जब किस्मत ही खराब रहता है तो क्या हो सकता है बोल सकते हैं, तो बस वही कह सकते हैं। यहाँ पे पता चला कि मनसा पूजा के लिए वो गए हुए धनबाद अपनी दीदी का घर, उसका भाई लोग बताया, उसकी दीदी बताई, तो यहाँ तो अब कोई पॉसिबल नहीं है कब आएंगे, मतलब गए दीदी का घर अब, तो बस अब लौट जाना होगा खाली हाथ। वैसे हम रहे और आप लोग बताए थे, और एक यूट्यूबर है उसकी पड़ोसन जो बोलते थे, उसका घर वो लास्ट वाला है जो आप देख सकते हो, नारियल का पेड़ है या जो भी पेड़ है, हाँ वो नारियल का पेड़ है, वो उसके पड़ोसन का घर है ज्योतिष श्री, उसका भी बारे में आप लोग को बताएंगे, कोशिश करेंगे उनसे मिलने का, देखते हैं। तो हे गाइस, मिस्टर हे गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं ज्योति जी का घर आ चुके हैं, और अभी हम लोग बैठे हुए, हम रहे उनका कह सकते ये इनका झूला, और ये रहा मेरा फेवरेट जगह मेरे घर पे, पापा ने मुझे तो झूला बहुत पसंद है, मुझे क्या घर में सभी को झूला बहुत पसंद है, तो ये जो है पापा आप लोगों के लिए बनवा दिए, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे मौसम का लुक उठाने के लिए, तो ये मेरा फेवरेट प्लेस है मेरे घर पे, मेरा झूला, छोटा सा झूला बोल सकते हैं आपकी ज्योति जी। तो सोचे तो नहीं थे कि मिलेंगे इनसे भी, लेकिन आए थे तो मनोज भाई से मिलने के लिए, तो वो है नहीं, तो सोचे इनसे मिल लेते, दोबारा का मौका मिलेगा हमें आने का यहाँ धनबाद, तो इसीलिए इनसे मिल ले, इनसे थोड़ा बात कर ले, और फिर आप लोग देखो थोड़ा वीडियो अच्छा लगेगा ब्लॉग, उम्मीद करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग निकलेंगे, बहुत टाइम हम लोग इनसे बात की ज्योति जी से, और ये उनका घर है अपना, ये अपना वीडियो में जैसे बताए थे उनका बिल्ली सब म्याओं म्याओं, और सभी सब अंदर गया हुआ है वैसे, और इनका वे झूला है, और बस यही है हम लोग निकलेंगे, और इनका भी वीडियो को देखिएगा आप सब, ब्लॉग हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, सपोर्ट कीजिएगा, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, गिटार भी बहुत अच्छा बजाते हैं, प्लीज इनको सपोर्ट कीजिए जितना हो सके। हाँ लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है, तो फ्री में होता है। ठीक है, आप लोग से मिलते हैं अगला ब्लॉग में, आप देखते हैं धनबाद में हम लोग और क्या करेंगे, देखेंगे, ज़्यादा देर के लिए है नहीं, फिर बारिश हो जाए, फिर जियाजी भी निकलेंगे, मिलते हैं आप लोग को वीडियो में आगे, फिर साथ में खाना खाएगा,
तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं एक वीडियो में जरूर लाऊंगी। और अभी जो है मेरे दो सब्सक्राइबर्स मेरे से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने मेरे लिए ये चॉकलेट लाया, सो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स यही है वो पार्क। तो फ्रेंड्स यही है, इस साइड से पार्क ऐसे देखने को मिलता है, काफी अच्छा लगता है। अगर ड्रोन रहता तो ड्रोन शॉट बहुत ही अच्छा लगता है ऊपर से देखने को, वाटरफॉल प्लस ये पार्क। सॉरी ये विनोद पार्क, तो ये वाटरफॉल को भी विनोद कह सकते हैं, ये विनोद वाटरफॉल।